हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये एक पेपर लगा रखा है, इसके अंदर से भी एक टेप लगा रखी है। इसका मतलब कि हम एक ही पेंटिंग बनाएंगे पर वो दो हिस्सों में होगी, क्योंकि अभी मेरे पास दो पेंटिंग के फ्रेम रेडी हैं। तो उनका साइज़ है, जो उसकी विंडो है माउंट की, 5x8 इंच की है। तो ये थोड़े थोड़े बड़े हैं ये आर्ट वर्क उससे, तो उसी हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो हम पेंटिंग बनाएंगे तो दोनों ही फ्रेम में ये फिट हो जाएंगी, तो अलग भी होंगी और एक की जैसी लगेंगी, ताकि जैसे पेंटिंग्स का सेट होता है ना, तो वैसा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो कलर चाहिए वो बना लेते हैं। जैसे ऑरेंज चाहिए, थोड़ा ऑरेंज बना के रख लेते हैं। थोड़ा इंडियन येलो, थोड़ा सा बंट से ना इसी के अंदर ही रहने देते हैं। थोड़ा सा गैम्बोज, कोबाल्ट ब्लू, थोड़ा सा इसमें क्रिम्सन का टच दे दिया मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्रश लेके मैंने इकट्ठा ही एक वॉश दे दिया। एक्चुअली ब्रश नया था, इसके अंदर की ग्लू थोड़ी सी है। एनीवे चलने देते हैं, देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा वाइट ऐड कर दिया हमने। इसके बाद इंडियन येलो, थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा सा बंट सेना। एक काम करते हैं, सुखा लेते हैं इसको और वो जो स्पॉट्स हैं वो भी उतर जाएंगे। आर्टवर्क सूख गया अच्छे से, तब नेक्स्ट लेयर पे काम करते हैं। यहाँ पे एक हट बनाते हैं। इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दें। और आगे की तरफ थोड़ा सा ये ग्रे कलर, अब इसके बाद थोड़े से थिक कलर्स।
थोड़ा सा ऑरेंज, मॉन्स्टेना विद ब्लू, इसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा ख़राब भी हो गया था तो उसका यूज़ भी कर लेते हैं। देख सकते हैं कि दोनों आर्टवर्क एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और अलग भी हैं। मैं इसको एंड में फ्रेम करके आपको दिखाता हूँ, अभी तो थोड़ा काम करना है। देखिए कितने अच्छे ट्रीज आए हैं। थोड़ा सा पाइन स्क्रे और बर्ड से ना यूज करूं। थोड़ी डिटेल्स कर रहा हूँ अभी हट की। हट के आगे थोड़ी सी जगह बना दी। नाखून से भी स्ट्रोक्स दे सकते हो ऐसे।
पत्थर, अब इस पेंटिंग में काफी डार्क कलर्स आए, इसमें भी थोड़े से अब लेके आने पड़ेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क देके उसे ब्लेंड करेंगे। देखिए कितने अच्छे कलर्स लग रहे हैं। अब इस पेंटिंग के पीछे एक सूखा ट्री बना देते हैं, तो यहाँ पे एक दो फिगर्स बनाएंगे। इसके बाद फिगर्स, एक फिगर यहाँ बना देते हैं। एक फिगर यहाँ, थोड़े से पत्थरों के लिए डार्क टोन्स। अब कुछ बर्ड्स बना सकते हैं, उससे पहले इसकी टहनियां थोड़ी सी और उभार देते हैं। साइन करते हैं, फिर मैं टेप उतार के दिखाता हूँ। इससे पहले एक बार बर्ड्स, अब एक बार पेंटिंग का थोड़ा सा और बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा रफ।
देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ भी तो करें इसको ड्राई, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चलो सिग्नेचर करते हैं। ये दोनों एक अलग अलग फ्रेम में लगनी है, इस वजह से मैं इन पे सिग्नेचर अलग अलग करूंगा। हाँ जी, तो इसकी टेप उतारना भी एक टास्क है, याद रखना कि टेप कैसे उतारनी है। थोड़ा सा ध्यान से जब भी टेप उतारनी है आपको, सेंट एक बार ऊपर से मैं काट लेता हूँ। चलो खुल गई। हाँ, तो ये टेप हमेशा जैसे ऊपर से उतारनी है आपने। इसको ऐसे ऐसे इकट्ठी करना है ताकि बाहर की ओर ना जाए, पेपर डैमेज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बाकी टेप्स उतारनी इजी है। टॉप वाली टॉप की ओर उतारेंगे, राइट वाली राइट की ओर, ये ऊपर वाली देखिए ऊपर को खींच ली, लेफ्ट वाली लेफ्ट की ओर, बॉटम वाला बॉटम की ओर और राइट वाली राइट। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आर्ट वर्क। अब इसको फ्रेम करके दिखाता हूँ आपको। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्ट वर्क पसंद आया होगा। तो चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Thank you.